घाम निकल गया सनसनाए के हैं एकदम तेज घाम होत बा तेज हैं अब हम एकदम के सवेरे सवेरे पहुंच ले खटाक से कब बैठा रहे हम बैठा रहे 12 बजे 12 बजे रहती है क्या 12 बजे पकड़े रहे 4 साढ़े 4 सवा 4 बजे पहुंच गए ले बाबा चबियो लेके आएंगे दे दे थे ला भैया तुरंत काम तुरंत करा तुरंत बाइक पार्क कर अंदर ये देखिए भैया ये धुरिया रही है कोई चला ही नहीं रहा है क्योंकि हम लोग नहीं रहते तो कौन चलाएगा इसको बेचारी को मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी है ये भैया पहली अपनी ये तो अभी एक साल पहले ली गई है नई सी खूब चले हैं हम लोग 60-70 हज़ार चल चुकी होगी ये 10th 12th सब इसी बीता है दिस इज़ वेरी गुड मशीन मतलब ये इतनी बढ़िया बाइक होती है भैया अभी तक ऐसे ही चलती है स्कूल में भैया हमको खूब स्टिकर लगवाने का शौक था देखिए क्या लिखवाए थे पीछे किंग निपोरा किंग नहीं थे लेकिन किंग लिखवाए थे आगे भी सिंह किंग कुछ तो लिखवाए हुए थे राजा लॉयन बनवाए हुए थे ये देखिए भैया यहाँ भी मोहन नाच रहा है आंगन में तगड़ा तो आप पता है नाच चला दबा खोजा था ही मोहन नाचत बा ओहो यहाँ देख हम सट से आई तो भाई फोन कर रहूँगा तब तो अच्छा गाड़ी चला तो रहा तो पता ना चला भाई यहाँ देखिए भैया आम आम लगा हुआ है पूरा अभी दतुईन कैसी तोड़ी जाए लगती नहीं मिल रही हमको दतुईन उतुईन कर लिए भैया अब जा रहे हैं सोने थोड़ा कुछ खा पी के क्योंकि भैया बस में एकदम सो नहीं पाते हैं वो तो प्राइवेट बस आई से प्राइवेट कह रहा हूँ मतलब वो जो बिना एसी वाली होती है एसी वाली भी सेम है होती है खड़खड़ खड़खड़ कूदती रहती है इतनी सी जगह मिलती है पीछे बैठे बैठे से कल्लाने लगता है हम तो 4-5 ही घंटा में आ गया नहीं तो 6-7 घंटे ले लेता है दिन में अब जा रहे हैं सोएंगे नहीं तो लाइट भी यहाँ नहीं रहती है कोई नहीं का दूजा लगाई का है तो बुद्ध के जाए बताई ने गाँव हम घर ना आई बुद्ध के जाए बताई ने हैं दिन के रहा समय काम करब तो 3 दिन जाए होते ना तो 2 हज़ार कहाँ लग गए 350 रुपये लाग जात के 100 रुपये टिकट ले ले लटक के जाब ट्रेनिंग और का और कहीं यहाँ बरना पकड़ ले 100 रुपये में लटक के जा लटक के बरना में लटक के जाते और का बरना में टिकट ना रहा लटक के जाए बात तेल ओल के में तेल कड़ू तेल ओल बाजन पता नहीं कड़ू तेल इतना देखे हम का देखा तेल हमें का पता चला कि था खाऊ में होई होबे करिए मैं तो कह रहा इतना आटा तो वही दे आटा बटवे किए भाई आज ही कहीं का करे आ गया तो हम बुधक जाएगा 2000 रुपया तू फूक दे है हां 3 दिन जाए को ये फिसिया कहीं तू का करे आ बतावा हम का 100 रुपया ली जा भैया हम बरना ट्रेन पकड़ के 2000 रुपया जी बचा ले पैसा सोई ना भैया सो गुना है 3-4 दिन का राउंड करके 3-4 दिन का होता है राउंड मतलब पैसा फूक के कुछ बात की का कहो बा अब यहीं तक तू सवेरे से गणित लगाओ तो हम आए कहाँ हैं है? है? मतलब हमारे दोस्त कुछ रहा तब हम आई आए तो पूछत ना हो तो निकालत हो घी कि काहे बदे हम आए है 2 दिन बदे कौनो मसला है मतलब कौनो मसला है युद्ध छिड़ चुका है भयंकर ये देखिए हम आए हैं तुमसे मिले हम कहाँ से आए तू कहाँ से आए तू ही हो ना तू ही इतना जातू बताओ तुमसे मिले ना आई सकी था हम है ले देखो देखा तो देखा तो आया है पार्सल सलवार सूट सलवार सूट हाँ सलवार सूट पहना तू तू साड़ी है अरे मोरी माई अरे तो हम कौन जन्म में के लिए बनाई अरे इतनी गढ़ू भाई ओ गढ़ू आई है हमें बढ़िया लागत रे हम ले ले हमके आज ही पहरी का खरीदे है ताऊ के खरीद के देह से पार्सल आए का फुल पैसा बाबू को मार फुल पैसा तू कुलिंगी में बड़ा बात कर देता करे साड़ी तो मार 150 है खाली अरे तो सेम सेल में मिली अरे 150 का है तब भारी बना
पैसा ही बर्बाद करना है हमें लागत रही बढ़िया हम कई कलर तू पहरा तू ले आए तो है तो पैसा बर्बाद निक ना बा निक तो बा तो ना पहरबू तो इत कहाँ तक वही तक भारी बा ए देख अब देखे हम सोचे अच्छा सोचिन कि हम लाए अब देखा कहा था हल्लुक बा अब वही तक सोचे कहूँ से आए बात कहा बाटे की देखा भारी हो हम पहरे कौन हो चल ना ये 150 150 रुपया 1500 का ना हो 350 था मम्मी बता छूट बता दी तो क्या कर भी तू पैसा लेके ना ठीक तब हल्लुक रहा 1800 खाओ हल्का रंग का बा यू काटन से ले रहे हैं कोटा सिल्क का मैं देखे बढ़िया लग रहा है हल्का रंग का बा बढ़िया बा ले जा पाएंगे हाँ तो पहनना तू ना पहन का ठीक जा वापस कर दे थी लाओ वापस कर दे भैया दे दे लाओ हम वापस कर दे दे वापस कर दे दे तू कहो बहुत भारी बना 150 रुपया बेच दे थे हम ना दे था इन्हें देख लीजिए इनको ये अब देखा का जुगाड़ हुआ लाग जब जानी हम लाए हैं तो ब्लाउज जो ही कर ब्लाउज बाव में करिए खरीदे खरीदे रहे हम वही दिल्ली से खरीदे रहे कह रहे जब तो दिल्ली के खरीदे रहे और का तो बैगवान धर रहे हैं घर धरा रहा है और कौन धरा दिल्ली से लाए रहे इस्कॉन में रही के दुकान ऐसे कॉटन को इसलिए इस्कॉन मंदिर ही में इसलिए आज टेस्टिंग करा दूँ अब देखा कोई टेस्टिंग करा बा ना इतना कातरे मोड बा हम कौन पहने बेका ना निकला है बने तो है पैसा फसाई के अरे हल्का रंग के रंग के साड़ी ना रहले तो पैसा फस गया अब का होई ये पैसा इतना बचा लो इसका ब्लाउज होई यही कुल हमारी तबाही में तो आज तुम पैसा बनाए ना वहां अपन तब इतना 1800 रुपये जोड़ का घर ले ले घर ना ले तो काहे के ना तोहा काम कौनो दे तो तोहा काम ना देई पैसा बसाई कर रहा है ये देखिए भैया गांव में धूप एकदम बहुत चौचक निकल रही इधर देखिए एकदम जल जाएंगे चिर चिर की आवाज़ आ रही है गांव में दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखाई देगा आगे पीछे क्योंकि मौत से खेलना है इस धूप में निकलना ये जान लो भैया ये देखिए भैया इधर कूलर अभी ऐसे ही सिम पानी भर के गए थे हम 1 महीना पहले ऐसे सिम पड़ा है चूहा हुआ नहीं मरा नहीं ठीक है सोच रहे भैया इसमें कूलर में पानी भरा जाए जरा सा तभी मज़ा आएगा लेकिन भैया मज़ा तब आएगा जब इसमें ठंडा पानी भरा जाएगा और ठंडा पानी मिलेगा कहाँ हमसे देखते हैं हम समरसेबल चलाते हैं उसमें आता है तो उससे भरेंगे या तो नल चला के भरेंगे अन्यथा भैया अगर एक टंकी का पानी भरेंगे गरम गरम तो कूलर में कोई मज़ा ही नहीं है लाइट इतनी कम आती भैया देखो पानी नहीं था ग्रुप ग्रुप रहा है नहीं तो ये फेंकता है वहाँ तक पानी गर्मी में यही दिक्कत रहती है ओह चला गया ओह भैया अब भैया जान लो यहाँ से लेकर के वहाँ तक की दूरी जो है हमको तय करनी है धूप में 4 बार इतनी धीरे लाइट आई है भैया कि देख रहे हैं हम फैन भी डुगुर डुगुर चल रहा है चल नहीं पा रहा गांव में ही दिक्कत है भैया लाइट टाइम पे आती भी है तो धीरे आती है साला हमको लग रही गर्मी सोच रहे टोपी लगा ले क्योंकि 4 बाल्टी हमारे में पानी लगे 4 बाल्टी बाबा में तब तक गर्मा जाएंगे हम पानी भरने के बाद कूलर का आनंद लेने के लिए कूलर के एकदम मुंह में मुंह डाल के बैठना पड़ रहा है अन्यथा कूलर की हवा नहीं लगेगी क्योंकि लाइट जो है भैया एक तो कम आती है ऊपर से वोल्टेज भी कम आता है गांव में गर्मियों के सीजन में सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं सभी लोग चलाते हैं कूलर पंखा ये वो मोटर पंप टुल्लू पंप तो भैया इसलिए अब क्या कर सकते हैं यही मौज मिल रहा है रात को तो आराम से हम बाहर भैया मच्छरदानी लगा के सोएंगे बिस्तरा बिछा के इसे काम नहीं चलेगा ये देखिए भैया कूलर हो गया है तेज एकदम भैया गर्मी में सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब भैया लाइट तेज हो जाए या तो आ जाए आने का भी उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती क्योंकि लाइट आए और तेज आई है समझ लीजिए सोने पे सुहागा काम होता है गाँव में एकदम भैया मन प्रफुल्लित हो जाता है क्योंकि पंखा कूलर सब तेज चलने लगता है ये देखिए कोई लौंडा है अरे उधर
ने पूरा रिकॉर्ड ये जिमर लवर बॉय इनका फट गया। अरे दादा यार कहाँ अंदर हो गया, सब ढीला है बॉडी बना, ये गद्दारी कर बे ना मजे बन गई घंटा भर ये मजे भगवान से दबत ना अच्छा साल और इस साल और कुछ ना बना। ये देखिए गद्दार दोस्त का अगर नाम आएगा तो पहले में इनका नाम आएगा। ये देखिए बर्गर खाओ पिज्जा खाओ समझे, हम कह रहे हैं अकल तुम अब चलो अब तुम लखनऊ चलो चलो थोड़ा तुमको एकदम पिज्जा उज्जा खिला के लाएं। ये देखिए जिम करके आए हैं यार, ये देखिए भाई अभी हम लोग जा रहे हैं जिम करने के लिए। आज हम एकदम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं, हमारे जिमर बॉय लवर बॉय ये देखिए लवर बॉय है, ये देखिए लवड़ बॉय हमारे लवड़ा, ये इनका पेट अंदर हो गया भैया, हम कह रहे आज से जिम चालू करेंगे भैया, ज्यादा सही लग रहा है भाई। अरे हाँ ये देखो निकला भैया घर से सारा चार भैया, ये हमारे पीछे पीछे गद्दारी कर रहा है जिम कर रहा है, गद्दारी नहीं कर रहे हम लोग, जिम करो भैया जिम मत करो जिम कुछ रखा नहीं है जिम क्या रखा है। यहाँ देखिए भाई तगड़ा जिम करते हुए, अभी देखिए वीडियो सामने तुरंत बन जाएगा बुलाओ, ये देखिए भैया यहाँ भैया लाइट नहीं है यहाँ तो देखिए थोड़ा एकदम गर्मी गर्मी आ गई, ये उनका देखिए बस बाना बॉडी हरी 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 साला रे साला जबरी, अब छोड़ो सांस छोड़ो सांस छोड़ सांस नहीं छोड़ेंगे। खा भैया जिम करके आ रहा हूँ जिम जिम करके आ रहा हूँ, और कहाँ दिखता हूँ पसीना पसीना हो गया है पूरा यार, देखिए लव जिमर बॉय हो गया है, अब जिम का पेट कम करेगा कुछ ज्यादा तगड़ा हेल्दी हेल्दी का दे दूध और दूध दूध पी ले भाग से तुरंत बना, एप्पल शेक बना दी एप्पल शेक अपना बनाना सीख दे जा पहले भैया, जो है सोने का प्रोग्राम यही बाहर बना लिए हैं, ये देखिए ले लिए हैं कथरी, ये भैया साड़ियों से बनती है 8-10 साड़ी मिला के बनती है, इतना ठंडा होता है ना तगड़ी चीज होती है, गद्दा उद्दा नहीं मजा देता भैया गर्मी में, यही मजा आता है ये, और एक चद्दर आता है ये कौन सा वाला होता है हमको बहुत बढ़िया लगता है एकदम ठंडा ठंडा लगता है ये वाला चद्दर, हम लखनऊ भी ले गए थे दिल्ली भी ले गए यही वाला चद्दर, ये बहुत कम मिलता है, अरे मिलता नहीं एकदम मखमल जैसा होता है। पहले भैया ये नीम बहुत बड़ी हुआ करती थी तब यहाँ पूरा छांव रहता था आसपास, ये छोटी है। इधर देखिए भैया सोने का पूरा प्रयोजन हो चुका है, बस यहाँ कटर लगा लिया जाएगा, एक फर्राटे वाला पंखा आता है वो कहाँ पर रखा है खोजना पड़ेगा हमको, क्योंकि वही थोड़ा राहत देता है नहीं भी चलेगा तब भी ठीक है। ये देखिए भैया ये मतलब कितने साल पुराना होगा कटर, हमको लग रहा है ना तो हम बचपन से देख रहे हैं तो 25-26 साल कम हो गए, ये होगा 28-30 साल पुराना अभी भी चल रहा है। कहे भैया हम कीड़ा है, तब भैया अभी जो है फोन को लगा दिया जाए चार्ज में, और भोजन ग्रहण करके बाहर व्यवस्था करी दी है बढ़िया, वहाँ सोया जाएगा क्योंकि कल सुबह हम प्लान बनाए हैं भैया जाने का महावीरे मतलब विजेतुआ धाम दर्शन करने का, बजरंग बली का सुल्तानपुर में आता है वो, यहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं 25-30-32 किलोमीटर है, तो कल जाएंगे हम लोग, तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा सुबह उठना पड़ेगा, लेट करेंगे तो धूप हो जाएगी, तो इसलिए फिलहाल आई एम गोइंग टू स्लीप गाइज, यू गाइज मेक लाइक ब्रॉलो वाट एवर यू डू, ओके माई इंग्लिश वेरी बैड आई एम वेरी सैड बाय।